अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जाकिर आपके साथ इस टाइम बिरिया टाउन कराची से आपके साथ में मौजूद हूँ और बिरिया टाउन की एक ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पे मैं आज आपको लेके आया हूँ। आप ये मेरे बैक में देख सकते हैं, ये 272 स्क्वायर यार्ड्स का विला है जो आपको मैं आज इसका रिव्यू देने आया हूँ और ये प्रिसेंट 16 के अंदर मौजूद है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे आप देखें मेरे बैक के ऊपर, ये आपको सामने मेन जिना एवेन्यू और ये सामने मलिक रियाज साहब का महल, ये आप देख सकते हैं। यानी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये विला मौजूद है। और ये जो आपको सामने का एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा पार्क का एरिया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बनने वाला, ये आपका पार्क बनेगा। और ये जो विला, जिस विला की आज हम रिव्यू दिखाने जा रहे हैं, ये जो विला है जिसके हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ये विला वेस्ट ओपन है, पार्क फेस है। और ये सामने जो है आप देख सकते हैं जामा मस्जिद, जो है बिरिया टाउन कराची की दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, जो यहाँ मौजूद है आपके सामने। तो मेरे व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पे और एक बेहतरीन विला जो आपको मिलने वाला है उसका रिव्यू कराने जा रहा हूँ, जो 272 स्क्वायर यार्ड्स का है, बिरिया टाउन कराची में, प्रिसेंट 16 में, ग्रैंड जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने और मेन जिना एवेन्यू के ऊपर। ये तमाम की तमाम खूबसूरती इस विला की है जो कि आज आपको मिलने जा रही है। तो चलें चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं अंदर से इसका रिव्यू कराता हूँ, लेट्स गो। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अंदर से, बिना टाइम वेस्ट किए और आपको अंदर से इसका रिव्यू कराता हूँ। ये 272 गज का विला है, पार्क फेस है, वेस्ट ओपन है, जिना के ऊपर है, बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, ग्रैंड जामा मस्जिद के सामने, अली मलिक रियाज साहब का महल यहाँ से दिखाई देता है। आज चले चलते हैं, इसकी खूबसूरती आपके साथ शेयर करते हैं अंदर से। ये अभी विला जो है आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिलने वाला है। ये हम अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये इसका मेन एंट्रेंस है और इसके साथ ही आप देखते हैं इनके साइड पे आपको इतना अच्छा बड़ा स्पेस मिलता है। और ये राइट पर ये पार्किंग का स्पेस है, ये कार पोर्च का एरिया है और इसी के साथ ये एक सर्विस की एक पूरी स्ट्रीट दी हुई है, पूरी कंप्लीट स्ट्रीट थ्रू आउट नीचे तक दी हुई है। आप चलें चलते हैं, हम यहाँ से भी आपको रिव्यू कराते हैं, पहले बाहर से रिव्यू कराते हैं, फिर अंदर से रिव्यू कराते हैं। और ये टू यूनिट विला है, अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट दो फैमिली जो है ना शेयर कर सकते हैं। चलें चलते हैं, आपको मैं इसका मज़ीद रिव्यू कराता हूँ। ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रही है, किचन से बाहर आने का दरवाज़ा है। चलें चलते हैं आगे, आपको और इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है। ये सर्विस सर्वेंट वॉशरूम है जो यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर स्पायरल दी हुई हैं, ये खिड़कियाँ सीढ़ियाँ दी हुई हैं जो ऊपर जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और ये बाकायदा कितना बड़ा आपके पास ये ओपन स्पेस मौजूद है इसके अंदर। चलें चलते हैं, आपको मैं इसके अंदर से रिव्यू कराता हूँ। चलें चलते हैं, मैं आपको इसके अंदर से रिव्यू कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस में मौजूद है इस टाइम, जो मेन एंट्रेंस हम इंटर हो रहे हैं और ये अंदर का एरिया है। और जैसे मैं अंदर इंटर होते हैं तो हमारे पास राइट पे, ये आप देख सकते हैं, ये राइट पे आपको ड्राइंग रूम जो है मिलता है। ये ड्राइंग रूम है सर, ये आप देख सकते हैं, अभी छोटा छोटा काम इसके अंदर चल रहा है और आई थिंक थोड़े दिनों में ये कम्प्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ ये इसका सर्वेंट वॉशरूम है, आई एम सॉरी, ये पाउडर वॉशरूम है इसका, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये टू यूनिट का विला है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए सेपरेट एक दरवाज़ा दिया हुआ है। और ये इसका लाउंज का एरिया आप देख सकते हैं, कितना वाइडर लाउंज है और अच्छा मीडिया वॉल इन्होंने मेंटेन किया है। और यहाँ पर इन्होंने ड्राइंग रूम से इसको सेपरेट भी किया है ताकि अगर आप चाहें तो इसको पर्दा लगा के आप इसको प्राइवेसी में मेंटेन कर सकें, ताकि आपके और आपके गेस्ट के दरमियान एक पर्दा मेंटेन रहे। ये आप देख सकते हैं, अच्छा खूबसूरत बेहतर काम हुआ। ये इसका किचन है, ये आप किचन देख सकते हैं, ये इसका किचन है, यानी कि एक अच्छा डिसेंट काम हुआ है। और इसी के साथ इस किचन के साथ इन्होंने एक आपको सेपरेट छोटा सा स्टोर टाइप का दिया हुआ है बना के, जो गेटेड है। ये इसका नीचे का बेड है, बिल्कुल किचन और लाउंज के साथ एडजस्टेंट, ये आप देख सकते हैं। और ये सारी कबर्ड्स इन्होंने थ्रू आउट ऊपर से लेकर नीचे तक दी, इस पर भी इन्होंने मीडिया वॉल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मीडिया वॉल है। और इसी के साथ इसका ये अटैच बाथ है,
आप देख सकते हैं। चलें चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, आपको उसका रिव्यू कराता हूँ। और ये इसका दूसरा बेडरूम है, अब हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये इसी के साथ हम जब एंटर होते हैं, देखें यहाँ पर भी इन्होंने मीडिया वॉल इसके अंदर बनाया हुआ है, यानी कि इन्होंने हर बेड के अंदर इन्होंने मीडिया वॉल को मेंटेन किया है। एक मुनासिब सा काम हुआ है इस वाला के अंदर। और ये 272 स्क्वायर यार्ड से अवेला है। ये कबर्ड्स आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने कबर्ड्स इसके अंदर बनाई हैं। और बड़ी विंडो भी दी ताकि रोशनी आपको अच्छी मिलती है। और ये इसका अटैच बाथ है, ये आप देख सकते हैं। चलें चलते हैं ऊपर के फ्लोर की तरफ, और आपको ऊपर के फ्लोर का भी मैं रिव्यू कराता हूँ। नीचे आपने देखा कि आपको यहाँ पर दो बेड नीचे मौजूद हैं, किचन है, ड्राइंग रूम है, लाउंज है और पाउडर वॉशरूम है, और दोनों में अटैच बाथ है। और इसके साथ साथ जो है ना, इसके अंदर आपको एक बड़ा वाइडर एरिया मिलता है। अच्छा, इस विले की जो ख़ास बात है वो ये कि पार्क फेस है और जिना मेन जिना के साथ है। चलें चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर का मैं आपको रिव्यू कराता हूँ। ये अब ऊपर के लिए हम जा रहे हैं। ये ऊपर के फ्लोर की एंट्रेंस है, ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं ऊपर के फ्लोर के लिए। और हम ऊपर के फ्लोर में आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बड़ी विंडो दी हुई है, ये देखें, अच्छी हाइटेड छत है। दरवाजे भी बड़े बड़े दरवाजे हैं और अच्छे, यानी कि अच्छे दरवाजे लगे हैं। और जब ऊपर के फ्लोर में आ चुके हैं, ये साथ ही जैसे हम ऊपर आते हैं, सामने बेडरूम है एक जो वेस्टोपल, ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी मीडिया वाली उन्होंने बनाई हुई है इस बेडरूम में। और इसके साथ ही ये अटैच बाथ है इसका। यानी ये खूबसूरत इन्होंने काम करने की एक कोशिश की है। और जितने पैसों में यह विला मिलता है, उतने पैसों में तो इस विले की वैल्यू बनती है। चलें चलते हैं आपको दूसरे बेडरूम की तरफ ऊपर के फ्लोर में। बल्कि जब हम इस बेडरूम से निकलते हैं तो हमें यहाँ लाउंज मिलता है फौरन। जी आप देख सकते हैं कितना बड़ा लाउंज का एरिया। और मीडिया वाले स्टैंड भी मेंटेन की गई है। और यहाँ देखें, ये आपको नेचुरल आपको लाइट, डे लाइट मिल रही है नेचुरल, यानी कि आपने यहाँ पे कोई लाइट वाइट हमने नहीं जलाई हुई। और हम बगैर लाइट के ये आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं इस विला की। अच्छा, ऊपर के फ्लोर में भी बिल्कुल इन्होंने किचन मेंटेन किया और अच्छा बड़ा किचन मेंटेन किया हुआ है। देखें आप देखते हैं, बड़ा अच्छा किचन बनाया हुआ है। और इसके अंदर आप देखें, ये सामने आपको नजर आ, बड़ा किचन का एरिया, वाइडर एरिया किचन का, ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा किचन का एरिया। और ये लाउंज भी इनका अच्छा खासा बड़ा लाउंज है, आप देख सकते हैं ऊपर का फ्लोर का बड़ा ज़बरदस्त लाउंज है। और इसी के साथ हम बात करते हैं बेडरूम की। ये दूसरा बेड है जो लाउंज के बिल्कुल साथ आपको दूसरा बेडरूम मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इन्होंने बड़ी बड़ी कैब आपको कबर्ड्स दी हुई। और इसके अंदर भी मीडिया वॉल भी उसी तरह इन्होंने बनाया हुआ है, जिस तरह हर रूम इन्होंने मेंटेन किया, ये मीडिया वॉल देखें आप। और इसके साथ इसका अटैच बाथ है, ये इसका अटैच बाथ है। अच्छा, मैं जैसे बात कर रहा था कि इन्होंने दरवाजे जो है ना वो बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। दरवाजे वाकई इनकी क्वालिटी दरवाज़ों की अच्छी है। जैसे मैं और विलास में देखता हूँ तो उनसे तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी के दरवाजे लगे हैं। ये इसका तीसरा बेड है जो मैं आपको अब रिव्यू कराने वाला हूँ। ये देखें, हम तीसरे बेडरूम में दाखिल हो चुके हैं। बड़ा बड़ा मास्टर बेड है ये। और इसके अंदर भी इन्होंने पूरी मीडिया वॉल जो है मेंटेन की है, देखें बहुत ही इन्होंने मेहनत की है। हर रूम के अंदर मीडिया वॉल बनाई है। और ये आप देखें कबर्ड्स, देखें इन्होंने हर रूम के अंदर बड़ी बड़ी कबर्ड्स दी हैं, ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कबर्ड्स हैं। और इसी के साथ इसके ये अटैच बाथ है, ये आप देखें दरवाजे के उन्होंने बड़ी क्वालिटी के अच्छे लगाए हैं इसके अंदर। ये आप देखें इसका वॉशरूम, कमोड और शावर एरिया सामने, यानी कि बड़े बड़े वॉशरूम दिया हुआ है।
चलें चलते हैं इसके मेन उस जगह की तरफ जहाँ से आपको बाहर मेन जिना एवेन्यू और ग्रैंड जामा मस्जिद मलिक रियाज साहब का महल जो आपको यहाँ से नज़र आएगा और वो पार्क वेस्ट ओपन का जिसकी इस घर की वैल्यू बढ़ाने में उस पार्क का सबसे बड़ा किरदार। ये आप देख सकते हैं सामने, ये आपको ये जो नज़र आ रहा है ओपन स्पेस सारा का सारा जो है ना आपका पार्क का एरिया, ये आप देख सकते हैं सारा पार्क का एरिया ये। और वो सामने आपको मलिक रियाज साहब का महल नज़र आ रहा है और ये आप देख सकते हैं हम टेरेस पे मौजूद हैं, टेरेस से आपको सारा व्यू नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं। मेरे भी मुझे उम्मीद है आज की आपको इंशाल्लाह ये जो मैंने विला का रिव्यू कराया आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये 272 स्क्वायर यार्ड्स का विला है और बेरिया टाउन कराची में प्रीसेंट 16 में मौजूद है, मेन जिना एवेन्यू पर मौजूद है और ये सामने रियाज साहब का महल आपको नज़र आएगा। ये सामने आप देख सकते हैं मलिक रियाज साहब का महल और ये मेन जिना एवेन्यू और मेरे राइट के ऊपर बिल्कुल ग्रैंड जामा मस्जिद है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं जिस विला की बात कर रहे थे, जिस विला का अभी मैंने रिव्यू कराया आपको, ये इसका बाहर का एलिवेशन है और ये आप देख सकते हैं सामने जो आपको दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद जो कि बेरिया टाउन कराची में है और बेरिया टाउन कराची के लिए और कराची पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है और इसका क्रेडिट जो है बेरिया टाउन कराची के मैनेजमेंट को जाता है कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बेरिया टाउन कराची में बनाई है। तो मेरे व्यूअर्स मैं आपको इस विला के बारे में बता रहा था, ये जो विला आप देख रहे हैं इस विले की जो प्राइस है वो प्राइस जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे व्यूअर्स ये जो आपको विला जो मैंने आपको दिखाया है इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू कराया है प्रीसेंट 16 में बेरिया टाउन कराची में, इस विला की जो प्राइस है वो डिमांड है 2,70,00,000 रुपये और ये 272 स्क्वायर यार्ड्स का विला है। इसके लिए कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं और मेरे नंबर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हैं। और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बेरिया टाउन कराची के हवाले से तो आप मुझसे इस बारे में मशवरा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।